रघुपति राघव राया राम पतित पावन सीताराम सबको सन्मति दे शक्तिवान रघुपति राघव भारत के बेटे बेटियों पोते पोतियों, मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि आज जो व्यवस्था हमारे देश की है उसी के लिए मेरा 56 वर्षों से संघर्ष जारी है, लेकिन किसी ने भी मेरे संघर्ष को नहीं स्वीकार किया, उसको हमेशा नज़रअंदाज ही किया है। आज मैं ज्यादा बात तो आपसे नहीं करूंगा, 26 जनवरी और 15 अगस्त भारतीयों के लिए बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है, इसका खुलासा मैं कभी करूंगा आगामी। आज मुख्य रूप से आपसे एक ही आह्वान कर रहा हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव को भंग किए जाने को लेकर हम गांधी समाधि राजघाट से 28 जनवरी सोमवार को सुबह 10 बजे एक पदयात्रा शुरू करें। यह पदयात्रा राजघाट से चुनाव आयोग तक जारी रहेगी। हम चुनाव आयोग को ज्ञापन देंगे कि आप आगामी सभी चुनावों को प्रतिबंधित करें जब तक कि हमारी भारतीय व्यवस्था कायम नहीं हो जाती। आज हमारी भारतीय संस्कृति आधारित व्यवस्था है ही नहीं देश में, इसी कारण ये सारी समस्याएं बढ़ रही। हमने सुप्रीम कोर्ट को भी चेता दिया है और आगामी चरण हमारा सुप्रीम कोर्ट में सत्याग्रह को लेकर ही होगा। तो मेरे प्यारे बेटे बेटियों पोते पोतियों, आप इस पदयात्रा में आएं और सहयोग दें, आपके बिना मैं अधूरा हूँ, यही मेरा निवेदन है। सब खुश रहें, खुशहाल रहें, यही मैं चाहता हूं, और मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आज रोना भी आता है कि मेरे इतने लंबे संघर्ष को इन काले अंग्रेजों ने अनदेखा दिया। मुझे क्या चाहिए, मैं तो एक अच्छी व्यवस्था चाहता हूं, अच्छी व्यवस्था चाहता हूं, अच्छी व्यवस्था चाहता हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।